इतना 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 बोल दिया, OTP लिख लिया, बस OTP लिखा, OTP लिया और आपका बैंक खाली हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय गुप्ता आपको इस चैनल के माध्यम से फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, रोज की तरह मैं आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और जो आज का जो वीडियो है वो किसी के लिए स्पेशल नहीं है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो सभी के लिए स्पेशल होने वाला है। यानी अभी तक हम जो बना रहे थे, कोई टॉपिक बना रहे थे, वो वीडियो मेरा वही देखते थे जो जो लोग उससे जुड़े हुए थे, लेकिन आज जो वीडियो बना रहे हैं ना वो हर लोग के लिए देखना है और हर लोग को सीखना है। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए वीडियो को देखिए। और आज का जो वीडियो देखने के बाद हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपके साथ साथ हर लोग को जानना और सीखना ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत कम शब्द में आपको हम कुछ बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए तो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ करके स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं यार जो बताना चाह रहे हैं वो सच में इतनी इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन फ्रॉड का। ये होता कैसे ध्यान से समझिए कि एक नया तरह का फ्रॉड अभी चल रहा है इंडिया में, और उससे आपको रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैं सोचा कि जब हमें पता है तो फिर लोगों को भी बताना ज़रूरी है। अभी तक आप लोग सुने होंगे कि आपके मोबाइल में कॉल आता होगा कि सर आपका ATM आया है, बैंक में ये प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है, आपका लॉटरी लगा है, कॉल आता होगा, फिर OTP मांगेगा, अगर OTP देते तो आपका जो भी है बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता था। तो ये पुराना हो गया, अब कॉल आता है तो लोग गाली वगैरह दे करके शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उस तरह का धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, कॉल आता है, लेकिन अब जो है एक नया तरीका का जो ऑनलाइन फ्रॉडिंग हो रहा है वो क्या है, सुनिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया है, हर लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, बहुत तरह से, अमेजन से, बहुत तरह का ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, उसको एक माध्यम लेकर के आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप फंस ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर भी कीजिए। होता है क्या दोस्तों, देखिए हम लोग इंसान बहुत बिजी रहता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर किए, या फिर बहुत लोग नहीं भी करते हैं, याद भूल भी जाते हैं, किए भी है तो भूल जाते हैं, उधर से आपको कॉल आता है कि सर आपका फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है, तो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, कहाँ हो, यहाँ पे है, तो ठीक है अभी हम घर पे नहीं है, तुम वहाँ पे रख दो, तो उधर से आएगा बोलेगा कि सर ठीक है OTP दीजिए। अब OTP किससे आया है, कहाँ से मैसेज आया, कुछ देखते नहीं, हड़बड़ी में देखते, अच्छा ठीक OTP है, ठीक है भाई लिखो, इतना 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 बोल दिए, OTP लिख लिया, बस OTP लिखा, OTP लिया और आपका बैंक खाली हुआ। ध्यान से समझिएगा इसको, मैं बोलना क्या चाहा पता चला आपको, यानी अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो कभी भी OTP शेयर करने से पहले आप देख लीजिए कि OTP आया कहाँ से है, क्या जिससे हमको OTP आया है वो OTP कोई ऑफिशियल नंबर है, या कहीं से फ्लिपकार्ट से आया है, या फिर किसी को नंबर भेज दिया है, उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके, पूरा देख करके, पढ़ करके OTP कहाँ से आया, तब किसी को OTP दीजिएगा, अन्यथा OTP कभी मत दीजिएगा, ये नया फ्रॉड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत कुछ इसे सीखे होंगे, और अगर सीखे हैं तो फिर लोगों को आपको बताना भी ज़रूरी है, अपने घर परिवार रिश्तेदारी हर लोग को बता दीजिएगा, ताकि कहीं गलती ना उससे हो जाए, वो बैंक खाली हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा, तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में इसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।